नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि इस बार पूरे ही उत्तर भारत के अंदर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। इतना कि इस बार दिल्ली में 52 डिग्री से ऊपर तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। रातों को भी जो पहले थोड़ा मौसम और टेम्परेचर कम होता था वो भी अब कम नहीं हो रहा, वो भी करीब 38 डिग्री तक, मिनिमम टेम्परेचर भी 38 डिग्री तक रह रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों की पानी की डिमांड बढ़ती है, खपत बढ़ती है, पानी की ज़रूरत बढ़ती है। मगर हम लोगों ने देखा है कि जो ट्रेंड है दिल्ली के अंदर, पानी मूलतः दो राज्यों से आता है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, और बड़ा हिस्सा दिल्ली का हरियाणा से आता है। हरियाणा की यमुना नदी और उसके अंदर जो कैनाल है उनके जरिए ये पानी आता है। 613 MGD, 613 मिलियन गैलन्स पर डे के हिसाब से ये पानी हरियाणा से दिल्ली में आता है और इससे दिल्ली के लोगों की पूर्ति होती है। और जो ट्रेंड है, मैं आपके सामने ट्रेंड रखना चाहूँगा, हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी करेंगे, ये दिखाता है कि जो दिल्ली की टोटल प्रोडक्शन है वो करीब 1005 MGD के आसपास है, जिसमें से 613 MGD के करीब जो है वो हरियाणा से आता है। उस 613 MGD के आने की वजह से दिल्ली की सामान्य प्रोडक्शन आप मान सकते हैं 1000 MGD के आसपास की है। और मैं आपको जून के शुरुआत से बताऊंगा कि जून 1 को ये प्रोडक्शन करीब 998 थी, 998.95, तो आप कह सकते हैं 999। जून 2 को 1002 MGD प्रोडक्शन पानी की, जून 3 को 1002 MGD, जून 4 को 1004 MGD, जून 5 को 1003 MGD, और जैसे ही लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, आप देख सकते हैं कि जून 7, जून 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 21 जून तक का डेटा हम आपको दिखाएंगे, लगातार प्रोडक्शन 1003, 1004 MGD से घट के 993 MGD हुई, फिर 990 MGD हुई, 978 MGD हुई, और गिरते 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 आज ये प्रोडक्शन, 21 तारीख का डेटा मेरे पास है, 21 तारीख को ये प्रोडक्शन 896 MGD तक गिर गई। तो ये डेटा में साफ है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब पानी आता है तो हमारे पास फ्लो मीटर्स हैं, हम फ्लो मीटर से नापते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है कि कितना पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। और हरियाणा जब दिल्ली के अंदर पानी छोड़ता है, मुनक नहर से जो पानी हमारे CLC और DSB के अंदर आता है, दो कैनाल हैं दिल्ली की जो पैरेलली रन कर रही हैं, उन दोनों कैनाल्स में जब वो पानी एंटर करता है या हरियाणा से इन कैनाल्स में दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है, तो हरियाणा कोई फ्लो मीटर दिखाए हमें, कोई बताए कि हरियाणा का फ्लो मीटर ये कहता है कि इतना पानी दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है, हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये है कि अभी तक जब आतिशी अनशन पे बैठी, उस दौरान तक तो 100 MGD की कमी पानी की प्रोडक्शन के अंदर थी, मगर उनके अनशन को के बैठने के बाद करीब 17 MGD पानी और हरियाणा ने कम कर दिया। ये मैं आपको 21 जून के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि पहले 100 MGD कम पानी हरियाणा दे रहा था, तो 21 तारीख को जो डेटा हमारे पास आया, 117 MGD पानी हरियाणा कम दे रहा, यानी कि 17 MGD और पानी की कमी हरियाणा की तरफ से की गई है। 1 MGD का मतलब है कि करीब करीब 28,500 लोगों की पानी की जरूरत को 1 MGD पानी जो है
वो पूरा करता है, तो आप ये मान सकते हैं कि 17 MGD और बढ़ना का मतलब ये है करीब 4,85,000 लोगों के हिस्से का और पानी हरियाणा ने पिछले इन 3 दिनों में जब सेंशन चल रहा है उसको रोका है। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक देश एक चुनाव की बात करने वाले, वन इंडिया वन टीम की बात करने वाले, टीम इंडिया की बात करने वाले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने वाले, आज अपने ही देश की राजधानी के लोगों को प्यासा मार रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जानबूझ के दिल्ली के हिस्से के पानी को रोक रही है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतनी बार चिट्ठी लिखने के बावजूद, प्रेस वार्ता करने के बावजूद, इसके अंदर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हैं। उनको लग ही नहीं रहा कि कोई दिल्ली के अंदर संकट चल रहा है, क्योंकि क्या बोल सकती, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। और ये सिचुएशन है, इसके बारे में हम चाहते थे कि आपको, मीडिया को और आपके जरिए जो है दिल्ली वासियों को हम इसके बारे में बताएं। आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज एनडीसी मुलाकात है, आप लोग को पानी के मुद्दे पे, कल भाजपा के सांसदों से मुलाकात हुई, आप लोग को 12 बजे का समय मिला है एलजी हाउस की तरफ से। देखिए, मैंने तो एलजी साहब को बार बार ये बात कही है, मैं और आतिशी कुछ दिनों पहले एलजी साहब से मिलने गए। एलजी साहब ने 3 कैमरे लगा रखे थे, एक यहाँ ट्राइपॉड लगा के 3 कैमरे लगे हुए थे, ऐसा नहीं सीसीटीवी लगा हुआ था, ट्राइपॉड के साथ 3 कैमरे लगे हुए थे। और उन्होंने पूरी की पूरी हमारी जो बातचीत हुई उसको उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं ये मानता हूं कि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग एलजी हाउस पब्लिक कर दें तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि दिल्ली वालों के हकों के लिए कौन खड़ा है और दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है, पूरा एक्सपोज हो जाएंगे। और कल जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद एलजी साहब से मिले तो मैंने देखा कि उनसे पानी के बारे में चर्चा हुई। जाहिर सी बात है उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की होगी कि उन सांसदों ने क्या बात की, उन सांसदों से एलजी साहब की क्या बात हुई वो भी वो पब्लिक कर दे, सबको पता चल जाएगा। क्या क्या फर्क पड़ता है, हम क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, एलजी साहब क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, अफसर क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं यह भी पता चल जाएगा कौन दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मैं चाहूंगा मीडिया के साथी पूछें एलजी साहब से कि इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो पारदर्शिता है, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। दिल्ली के 2 मंत्री आपसे मिलने आए, आपसे 1.5 घंटे हमने डिस्कशन किया, आप बाहर कीजिए ना उसको, डर किस बात का है, क्या छिपाना चाहते हैं आप, पता तो चले कि एक एलजी की 2 मंत्रियों के साथ जो बातचीत होती है पानी के विषय में उसमें किसका क्या रवैया है, वो सामने आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं मगर एलजी साहब भाग रहे हैं, एलजी साहब उस वीडियो को रिलीज ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं आप मीडिया के साथियों से भी कहूंगा, आप भी एलजी साहब से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि भाई अगर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो उसको पब्लिक कर दें, उसमें क्या डर है, डर किस बात का है, सबको पता चलना चाहिए, तो पारदर्शिता का मामला है। और कुछ एक और मुद्दा है, इससे अलग है, नीट पीजी का एग्जाम होना था वो रद्द हो गया है, छात्र इसको लेकर आक्रोशित। देखिए, मेरे पास कुछ MBBS डॉक्टर्स के व्हाट्सएप आए, ये अखबार में छप जाता तो बड़ा सरल लगता है कि साहब एग्जाम था कल, एक रात पहले कैंसिल हो गया, मगर इतना सरल नहीं है दोस्तों। लोगों ने अपनी फ्लाइट टिकट्स करा रखी थी, लोगों ने अपने होटल बुक करा रखे थे, कई लोग पहले ही एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे, रेल द्वारा फ्लाइट द्वारा तैयारियां कर रहे थे, और अचानक इसको रद्द कर दिया गया, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है और इससे बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। और इससे एक बात साबित हो गई है कि NTA केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, NTA और केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गए। भारत की एक ही चीज थी
जिसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा होती थी। हालांकि प्रधानमंत्री तो उसमें कहेंगे कि मेरी चर्चा होती, ऐसा नहीं है। भारत की पढ़ाई की चर्चा हर जगह है। आज भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का परचम पूरे सिलिकॉन वैली के अंदर इसलिए लहरा रहा है क्योंकि भारत की कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, इंजीनियरिंग, उसके मायने हैं। आज दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस, सीएक्सओस भारतीय हैं क्योंकि भारत की आईआईएम्स और अलग अलग मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़े हुए जो युवा हैं उनकी पढ़ाई की मांग है। लोग कहते हैं कि हाँ, इतने टफ कंपटीशन के अंदर अगर भारत के अंदर कोई एमबीए करके निकल रहा है, इन इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहा है, तो उसकी बहुत वैल्यू है। भारत के डॉक्टर्स की, आप यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, जितने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर सबसे शानदार करने काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आपको हैरानी होगी, सब भारतीय हैं। क्योंकि भारत की एमबीबीएस की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलिटी की बहुत मांग होती थी, बहुत वैल्यू होती थी, बड़ी विश्वसनीयता होती थी। आज इस सरकार ने उस सब को ध्वस्त कर दिया। लाखों लोग जिनके बच्चों ने एनटीए दिया, वो तो 24 लाख परिवार तो वो हैं जिनके बच्चों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया, वो 24 लाख लोग भी हैं, परिवार भी हैं जिनके बच्चे इस साल देने वाले हैं, वो 24 लाख परिवार भी हैं जिनके बच्चे अगले साल देने वाले हैं, वो सब तीन तीन चार चार साल से, दो दो साल से तैयारी करते हैं नीट की। आप सोचिए उनका क्या होगा, वो क्या सोच के तैयारी करेंगे, क्या सोच के उनके बच्चे 18-18 घंटे काम पढ़ाई करेंगे, क्या सोच के माँ बाप अपने पेट काट काट के उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस भरेंगे, उनको दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए भेजेंगे, जब उनको ये पता है कि कोई अमीर ज्यादा 50 लाख रुपए देके नीट का क्वेश्चन पेपर खरीद लेगा और टॉप कर जाएगा। आप सोचिए कितना बड़ा आघात देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर इस सरकार ने किया है। ये माफ करने योग्य नहीं है। इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।